हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे का जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन उसका रिजल्ट के बारे में, मतलब सीबीटी फास्टेस्ट सीबीटी का रिजल्ट के बारे में जो ऑफिशियली नोटिस है, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक जरूर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। उसके साथ आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ये लर्निंग ऐप सबसे इंडिया से सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन है दोस्तों। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उधर तपन घड़े ही सर्च कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उधर से आप डायरेक्टली ज्वाइन करने के लिए, फॉलो करने के लिए मुझे लिंक दिया हुआ है, उसमें क्लिक कीजिए। इसके जरिए हमें आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कोई भी इशू हो रहा है, और मेरा बहुत सारा वीडियोज़ मैंने डाल के रखा हूँ, आप घर बैठ बैठ के तैयारी भी कर सकते हो दोस्तों। तो अभी चलते हैं हम ऑफिशियली नोटिस को। दोस्तों, कल जो नोटिस आया था आप सबको पता होगा दोस्तों, CN01 2018 ALP एंड टेक्नीशियन का आज से ये शुरू होगा। आपकी जो पोस्ट सिलेक्शन होगा, RRB चयन होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो जोन चूज होगा, और अगर आपके ट्रेड जो है, ट्रेड आपकी ब्रांच जो है वो चयन करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, और बैंक डिटेल्स अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। उसी नोटिस में आप लोग अगर सेकेंड पॉइंट को आओगी, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है दोस्तों। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि आप क्या सभी लोग सेकेंड स्टेज सीबीटी को जा सकते हो, क्या सब लोग को ये ऑप्शन मिलेगा सेकेंड स्टेज, मतलब RRB चयन करने के लिए, या यहाँ पे ट्रेड चयन करने के लिए, ट्रेड जोन चयन करने के लिए, ये सब लोग को मिलेगा? नहीं है दोस्तों, सभी लोगों को नहीं मिलेगा। इसी नोटिस के जरिया में दिया गया है 2.0 में दोस्तों। यहाँ पे मैं आप लोग को पूरा समझा देता हूँ। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द CEN सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01 इम्पोर्टेंट नोटिस, इट वॉज इंडिकेटेड दैट ऑप्शन फॉर आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चूज चयन करना है आरआरबी, रेलवे एंड पोस्ट शैल बी टेकन फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट सिक्योरिंग कम्युनिटी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन फास्टेज सीबीटी। दोस्तों, उन्हीं लोगों चयन कर सकते हैं, उन्हीं लोगों चूज कर सकते हैं जो आपकी सेकेंड फास्टेज सीबीटी का एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो अगर फुलफिल कर रहे हो तो आप जाके सेकेंड स्टेज का जो यहाँ पे रेलवे बोर्ड चयन कर सकते हो, जोन चयन कर सकते हो, उसके साथ आप जो आपकी ट्रेड है वो भी चूज कर सकते हो, उसी उन्हीं लोग को मिलेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क वो हो सकता है मिनिमम कट ऑफ, जो ऑफिशियली जो आपकी नोटिस है यहाँ पे दोस्तों, स्पेशियली जो एडवर्टाइजमेंट था वहाँ पे लिखा गया था मिनिमम परसेंटेज मार्क फॉर एलिजिबिलिटी वेरियस कैटेगरी। यहाँ पे अनरिजर्व लिखा गया था 40%, OBC 30%, SC 30%, ST 25%, ये ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया था दोस्तों फॉर फास्टेज सीबीटी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। पर अभी जो बात करेंगे ये मिनिमम कट ऑफ वो नहीं हो सकता है। अभी एक नंबर फिक्स करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, अभी जो फिक्स करेंगे उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा ताकि आप RRB चूज कर सकते हो दोस्तों। ये मतलब सभी लोग को नहीं है, जो लोग क्वालिफाई कर सक फास्टेस्ट CBT क्वालिफाई करोगी उन्हीं लोग को मिलेगा। और ये कब से मिलेगा? आज से ही ऑप्शन मिलेगा। 22/10 दोस्तों देख सकते हो, स्टार्टिंग डेट 22 सितंबर को है, आज का ही 11 बजे से खोलने वाला है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। जो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं उन्हीं लोग के लिए ये ऑप्शंस अलाउड हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। कैसा लगा आप लोग को इन्फॉर्मेशन दोस्तों, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे अनअकैडमी में मैसेज कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।